अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। सबसे पहले इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं भाई, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है। इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फेरिकल एटम एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, एक यूनिट सेल में एक एटम का वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब एक एटम का कितना वॉल्यूम है टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, एक रेशो होती है ये। ठीक है, हमें इसकी रेशो फाइंड करनी है जिसमें हमने एट यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं वो हमने फाइंड किए थे, जिसमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया और फेस सेंटर्ड हो गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले देखो ये चार एटम मैंने शो किए हुए हैं। ठीक है, इनकी सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किए हो गए। ठीक है, यूनिट सेल में जितने जो ये इंटरनल इंटरनल पार्ट ही होते हैं इनका, वो आपको मैंने पहले बता रखा है। अब इसमें ए जो है इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, मतलब इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस है टोटल डायमीटर के बराबर है, तो एटॉमिक रेडियस कितनी होगी, ए बाई टू। ठीक है, एटॉमिक ए बाई टू होगी। अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, आपको पता है एक एटम यूनिट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है, उसी तरह वॉल्यूम ऑफ द एटम इन यूनिट सेल इज इक्वल टू हो गया, जो वॉल्यूम हो गया यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एटम टू द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, फोर बाई थ्री इंटू पाई आर की क्यूब जो है, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, इंटू वन, वन क्या है आपका ये वाला एटम। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। फिर इसके बाद अब रेडियस जो है, रेडियस जो हमने पिछले स्टार्टिंग में लिखी थी, रेडियस ए बाई टू थी, फोर बाई थ्री इंटू पाई आर क्यूब था, आर की वैल्यू क्या ए बाई टू, आर की वैल्यू क्या ए बाई टू, ए बाई टू हमने पुट कर दी, इंटू वन वा एटम हो गया, फोर बाई थ्री इंटू फोर बाई थ्री इंटू पाई ए क्यूब इंटू एट, तो हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये पाई ए क्यूब अपॉन सिक्स आ गया। उसके बाद पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हुआ, ए क्यूब हो गया। फिर उसके बाद एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का रेशियो क्या होता है, एक एटम का वॉल्यूम अपॉन टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम, पाई ए क्यूब अपॉन सिक्स हमने ये फाइंड किया है। फिर उसके बाद ए क्यूब ये वाला, यहाँ पे ए क्यूब से ए क्यूब कट गया और पाई बाय सिक्स आ गया, और पाई बाय सिक्स की वैल्यू पाई बाय सेवन इंटू बाई बटे सात इंटू सिक्स करके 22142 आ गया, और उसी तरह 0.523 जो आ गया इसका क्या आ गया, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो ये था सिंपल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। अब जो नेक्स्ट है वो आपका आ गया बॉडी सेंटर। नेक्स्ट कौन सा आ गया, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, लेट ए बी द लैटिस पैरामीटर, ए क्या हमारा लैटिस पैरामीटर है, एंड आर बी द एटॉमिक रेडियस, आर क्या हमारी एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बॉडी सेंटर्ड का, जिसमें से एक एटम जो सेंटर में है और एक कॉर्नर कॉर्नर के दिखा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें आर उसकी एक एटम की रेडियस होगी, डायमीटर टू आर हो गया, आर हो गया जिसका, उसको हमने नाम ए बी सी डी ई एफ जी तक हमने नेम दिए हुए हैं। फिर हमने क्या, कॉर्नर इस कॉर्नर से लेकर इस स्लांटेड कॉर्नर में डायगनली ऐसे ज्वाइन किया गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसमें जो फाइंड करेंगे, फाइंड क्या करेंगे, वैल्यू किसकी, जो ये नीचे वाला ए जी है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए जी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे जिसमें ए एच, ए एच जो है आपका, ए एच के हमारे ए से इधर से लेकर ए एच, आर प्लस टू आर प्लस आर कितना हो गया, फोर आर हो गया। उसके बाद हमने क्या करके ए एच की स्क्वेयर प्लस जितना फोर आर उनकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ए जी जो है आपका, ए जी फाइंड करना है, तो ए जी फाइंड करना है, तो ए जी जो नीचे वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, एक ए डी जी कौन सा ऊपर वाला जो है, ये जो है ए जो है इसमें कौन सा ए डी जी है, ए डी जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए डी पाइथागोरस लगाना पड़ेगी, ए जी की स्क्वेयर। ठीक है, ए जी की स्क्वेयर
प्लस डी जी की स्केयर, तो ए ए डी की वैल्यू जो है आपकी क्या करनी है, ए है, और डी जी की वैल्यू भी ए है, तो कितना आ गया 2a की स्क्वायर। उसी तरह हमने ये ए जी की स्क्वायर फाइंड कर ली। अब हमने ए एच की फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है। ए एच की स्क्वायर क्या होगा, ए जी की स्क्वायर प्लस एच जी की स्क्वायर जी एच की स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये ए जी हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है ये, और 2a की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर जी एच का है, जी एच जो है आपका वो भी क्या है हमारा ए है, तो उसके भी स्क्वायर का टोटल कितना आ गया, 3a स्क्वायर आ गया, ये कितना आ गया 3a स्क्वायर। फिर इसके बाद हमने जो इक्वेशन 1 और 2 दिया था जिसमें 4r की स्क्वायर और 3a की स्क्वायर आ गया, इनको हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया किसकी वैल्यू को, ए जी की स्क्वायर को, ठीक है। इसके बाद हमने 16 की स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3a की स्क्वायर हो जाएगा। r की स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फिर ये वाला फाइंड 3a की स्क्वायर में 16 आ जाएगा, r की वैल्यू हम क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। उसी तरह फैक्टरी नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल, कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं बॉडी सेंटर में, 2 होते हैं। वॉल्यूम ऑफ द एटम यूनिट सेल फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द एटम इंटू फैक्टरी नंबर ऑफ एटम, 4π3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू 2 जो है इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फिर इसमें IR की वैल्यू हमने जो फाइंड करी है ये वाली, इसमें पुट कर देंगे आर की जगह, ठीक है। और ये 8π3 इंटू पाई आर ये वैल्यू सॉल्व करके फिर कैलकुलेट करके ये आ जाएगी, ये है ना। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है आपका, ए क्यूब है। फिर उसके बाद एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की वैल्यू यही है। फिर हम क्या करेंगे, π√3 इंटू 8, ठीक है। फिर पाई की वैल्यू 22.7 और √3 की वैल्यू 1.734, तो हमें इसको सॉल्व करेंगे तो टू एंड में जो आ जाएगा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर वो कितना आ जाएगा, 0.68, ठीक है। ये 0.68 जो आपको दिख रहा है ये कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है किसका, बॉडी सेंटर्ड का, किसका है, बॉडी सेंटर्ड का। अब जो है नेक्स्ट वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या कैसे फाइंड करेंगे हम, सब ए जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है जिसमें एक ए फेस लिया गया है, एक यूनिट सेल का फेस लिया गया है, फेस ले लिया, ठीक है, जिसमें आर ये कॉर्नर में 4 एटम और एक सेंटर में ले रखा है, ठीक है। ए को हमने क्या लैटिस पैरामीटर मान लिया, आर एटोमिक रेडियस होगी, ठीक है। अब ट्रायंगल ए सी डी लिया, ए सी डी आप देख रहे होंगे, ठीक है, जिसको मैंने बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो ए सी की स्क्वायर की ए डी की स्क्वायर प्लस सी डी की स्क्वायर आ गई। फिर उसके बाद ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी, आर प्लस 2r प्लस आर इसका, ठीक है। ए डी की वैल्यू ए प्लस और ए सी डी की वैल्यू भी ए, स्क्वायर स्क्वायरिंग होगी दोनों की। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये 4r की स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2a की स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद 4×4=16r की स्क्वायर इक्वल टू 2a की स्क्वायर हो गया। फिर r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, आर की वैल्यू ए कितनी आ गई, रूट ये वाली आ गई। अब फैक्टरी नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं हमारे यूनिट सेल में, किसमें, फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल इक्वल टू वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एटम इंटू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, 4π3 इंटू पाई आर क्यू इंटू 4, 16π3 पाई आर के क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 16π3 इंटू पाई ए अंडर बाय 2 अंडर रूट 2 फिर उसके क्यूब कर देंगे, तो हमें सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, वी इजिकल टू ए क्यूब है, ठीक है। एटोमिक पैकिंग फैक्टर से हम तब जो हमने अभी वैल्यू फाइंड करी है नीचे वाली, पाई ए क्यूब इंटू रूट 3 अंडर रूट 2, फिर हमने इसमें डिवाइडेड बाई ए क्यूब के साथ कर दिया, तो ये क्या वैल्यू आ गई, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया और पाई बाई 3 अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। तो पाई बाई इंटू 7 इंटू 3 इंटू 1.4 ये कितनी आ जाएगी, 0.74 आ जाएगी। तो ये किसका बॉडी के एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आ गया, ये आ गया आपका फेस सेंटर्ड का, फेस सेंटर्ड क्यूब एफसीसी का। तो इस तरह ये आपके एटॉमिक पैकिंग फैक्टर थे।